नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, होम पब्लिक स्कूल फसलपुर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ छठी कक्षा में जो आपका कहानी लिखा दयालु शिकारी कहानी मैंने लिखाई थी। अब चित्र में एक कहानी है, उसका जो हेडिंग है बातुनी कछुआ। बातुनी कछुआ उसका शीर्षक क्या है? बातुनी कछुआ। तो एक तालाब था, तालाब में दो हंस, उसमें एक कछुआ रहता था। एक तालाब था, तालाब में कछुआ रहता था, वह बहुत ही बातुनी था, लेकिन बातों करवा कुछ और होते। वही दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र थे। एक दिन एक साल बारिश कम हुई और तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी चांच से पकड़ लिया। એટલે એ એક લાકડી લાવ્યા અને લાકડીનો એક એક ભાગ એ બંને હંસોએ પકડી લીધો। બીચ કા જો ભાગ કછુએ કે લીએ રખા ઓર ઉસે કહા કે બીચ કા જો ભાગ કછુએ ને અપની મુંહ સે પકડ લિયા। હંસો ને કછુએ સે કહા કે ભાઈ તુમ રાસ્તે મે બોલના મત, વરના બોલોગે तो लकड़ी से क्या होगा, तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम गिर पड़ोगे और तेरे प्राण निकल जाएंगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया तो गांव के लोगों को देखकर कछुआ से रहा ना गया। कछुआ बातों नहीं था, इसीलिए वह उसने अपना मुंह खोला और बीच का जो भाग था, जो सीरे लकड़ी का बीच का जो भाग था, वह छूट गया और कछुआ नीचे गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। तो यह कहानी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। मैं धीरे से बोलूँगा और मैंने बोर्ड पर भी लिखी है। एक तालाब था उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातुनी था, बहु वातोड़ी हो। वही दो हंस भी रहते थे, जो बे हंस पर रहता था, वही दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। पैराग्राफ पाड़ी सो आपने। एक साल वहां बरसात कम हुई, एक साल वहां बरसात कम हुई, एक वक्त या बरसात, एक वर्ष से बरसात ओछो थयो। तालाब का पानी सूखने लगा, तालाब का पानी सुकाई गयो, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी लेकर आए और उसका एक एक सिरा, एक एक भाग, उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। એટલે હંસોએ એક જે લાકડીનો બે ભાગ હતા તેમાં એક એક ભાગ એમની ચોંચથી પકડી લીધો, ચોંચ સે પકડ લિયા। બીજ કા ભાગ કછુએ ને અપને મુંહ સે પકડ લિયા, વચ્ચેનો ભાગ હતો એ કાચબાએ એના મોઢાથી પકડી લીધો કછુએ ને અપને મુંહ સે। તો બીજ કા ભાગ કછુએ ને અપને મુંહ સે પકડ લિયા। हंसों ने कहा कि तुम रास्ते में बोलना मत, बातुनी है तो ना, बातोड़ी हो तो इनु हेडिंग है कि बातुनी, बातोड़ी हो काजबो,
तो हंसों ने कहा कि तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे, तुम नीचे गिर पड़ोगे। रास्ते में एक गांव आया, गांव के लोगों को देखकर, गांव के लोगों को देखकर कछुए ने अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई, और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया, तो यह कहानी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, फिर हम आगे की जो कहानी है वह लिखेंगे। बातों ने कछुआ लिखा है, बुद्धिमान कौआ